लॉकडाउन में अप्रैल ऑटो सेक्टर के लिए लेकर आया पहली बार जीरो सेल्स की सबसे बुरी खबर। 22 मार्च से बंद पड़ा है मारुति का प्रोडक्शन। 40 दिन के लॉकडाउन से अब तक 40,000 करोड़ रुपए घटी सरकार की पेट्रोलियम आय। बजट आय में पेट्रोलियम सेक्टर का 20% योगदान। लॉकडाउन के बीच एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 162.50 रुपए की कमी। 3 महीने में 277 रुपए सस्ता हो चुका है एलपीजी सिलेंडर। ईपीएफओ ने जारी की चेतावनी, फोन या सोशल मीडिया पर आधार यूएएन पैन की डिटेल देने से खाते में लग सकती है सेंध। ट्विटर पर आरबीआई ने दुनिया भर के सभी सेंट्रल बैंक को पीछे छोड़ा। 7.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स के साथ बना सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया वीडियो कॉलिंग ऐप जियो मीट। एचडी वीडियो की सुविधा वाले ऐप के अब तक 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड। कर्ज चुकाने के लिए रिलायंस जियो की 10% हिस्सेदारी और बेच सकते हैं मुकेश अंबानी। बोर्ड की बैठक में कहा कई विदेशी निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी। मानेसर स्थित इनलेली ग्रीन ने प्लाज्मा तकनीक आधारित डिवाइस का किया निर्माण। नासा से मंजूरी प्राप्त डिवाइस कार एम्बुलेंस में मौजूद सभी बैक्टीरिया और वायरस का करेगी खात्मा। कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन में अमेजॉन को भारत में सबसे ज्यादा घाटा। दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा घटा रेवेन्यू। आर्थिक बदहाली के बावजूद पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती की। पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 27 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया।